जब एक बेटी की विदाई होती है ना, एक बाण की विदाई होती है, वह सारा के गले लग के मिलेगी, माँ गेल भी मिलेगी, बाबू गेल भी, बाणा गेल, सखियां गेल, अपने भाई गेल भी। वह जब सारा गले फेट ली ना, विदाई हो रही थी, अपने भाई के गले जब लगी ना, उसका भाई नो कर लग गया, बेबे देख तू विदा तो कर दी हमने, लेकिन मैं दो बातें तेरे को कहना चाहता हूं। नुबली भाई कहो, बाण भाई का लाड सबसे अलग होता है दुनिया में, सबसे अलग। मैं तो इस चीज को समझता हूँ, क्योंकि मेरा बाण इतनी है, किसी को भी दौड़ चले जाऊं तुम राजी हो जाएंगे जमानों, क्यों बेटे पर गाऊं छोटा हूं मैं तो, बड़ा लाड करती है। इसीलिए मैं ये चीज गाता हूँ, भरे पूरे परिवार में जन्मया, ये चीज गाने का मेरा फर्ज भी तो हक भी तो बनता है। बहुत सारे लोग कह देंगे यार तू तो अपनी गाथा गाने लग जाए, गाऊंगा भाई, गान जोगी है, गान लायक है मेरी गाथा, इसलिए मैं गा रहा हूँ। जब मैं घटिया परिवार में पैदा होता तो नाम भी ना ले रे, सच्चाई है यार, और ना मैं इतना बोलू है, जब मेरा बैकग्राउंड खराब होता तो मैं खुद सही हूँ, इसलिए लोगों को जगा रहा हूँ। और हक भी जब बना, जब आदमी सही होगा, जब दूसरे में जगा होगा, जब मैं खुद जुटता हूँ तो मैं जगाऊंगा। सुनने की बात है, जब भाई के गले लाग के वह छोरी रोन लगी तो नुबुलाए, बेबे मैं दो बातें तेरे को कहना चाहता हूँ। नुबली भाई की कहना चाहो, सुनिए बाण भाई की वार्तालाप, बाण भाई की बातचीत, एक के करोड़ के बोल धरती है ठाकुर, बड़ा कमाल कर दिया, मेरा पसंद का भजन है, सुनिए बड़ा। इसको YouTube पे आप सर्च करोगे ना, माँ जाई की विदाई इस भजन का नाम है, और इस भजन में मैंने ओरिजिनल सीन डाले हैं मेरी छोटी बाण के ब्याह के, ओरिजिनल नहीं के शूट करके नहीं, असली उसके ब्याह की वीडियो कैसेट में काट के और उसमें डाल रखे हैं, सीन आप देखना, उसमें मैं खुद भी दिखूंगा, मेरे पिताजी भी, मेरी बाण भी, मेरा कुण भाई है, सारे ये भाई भी दिखेंगे, वो सारी चीज ओरिजिनल डाली, आप देखोगे तो आप रोने लग जाओगे, इतनी अच्छी वीडियो बनाई, आप देखना जरूर, अभी मैं लाइव कर रहा हूँ। ए करती विदाई कहे तेरा भाई लिए ना बुराई कदे, हे माजाई करती विदाई कहे तेरा भाई लिए ना बुराई कदे। सोचिए तेरी विदाई कर दी तू सदा के लिए चली गई, मेरी बहन कल भी हो घर तेरा था, आज भी तेरा है, आगे भी तेरा रहेगा, सब तेरा जीत रहे, आइए जाइए कोई दिक्कत नहीं। मेरी बहन विदाई का मतलब यूं नहीं है कि जमा त्याग दी ना, ये तो दुनिया ने रीत बनाई है कि बेटी पराई चीज होती है, हमने भी रस्म निभाई है, लेकिन दिल से हम तुझे कभी नहीं भुला सकते। नंबर एक पर भाई रोते हुए अपनी बहन को क्या कहता है, के खुशी तू घर में मारे थियाई, बड़ के खुशी तू घर में मारे थियाई, इस आंगन में तू लड़ो खेल खाई, इस आंगन में तू लड़ो खेल खाई, लक्ष्मी बन के रहना है तुम्हें,
क्योंकि नुकार सदरों लुगाई चाव तो घर न बसा दे और लुगाई चाव तो उजाड़ दे। क्योंकि मर्द आदमी तो बाहर जाके कमाई करेगा, कमाओ घर तो लुगाई रहे। जिस औरत का चाल चलन बढ़िया रहेगा अपना घर रहेगी, वह सो की सो बढ़िया अपनी जिंदगी काट जाएगी। और जिसने फिर वह बात है बार का शौक लग गया ना, वो लुगाई कभी बस नहीं सकती। क्यों भाई नो के लगे घनी मन चाहिए मत करने की कोशिश करिए। जिसा भी प्यो है तेरे ससुराल डालेगा बेबे ऊसा खा के अपना गुजारा करिए। कदे पड़ोसन की और किसी की रीस करे कि उनका तो इतनी माया है, वह तो इतना आनंद ले रहे हैं और मैं कड़े कर क्या ने ब्याह दी नहीं। जिसा भी है मेहनत करिए, भगवान तेरी भी बाह पकड़ेगा। लेकिन बेबे घनी मनचाही ठीक नहीं होती। आदमी जब मनचाही करने की कोशिश करेगा तो गलत रास्ता पकड़ेगा और गलत रास्ता तबाही का होता है, बेबे तबाह हो जाएगी। और जो लुगाई अपने घर आ रहोगी अल्लाह सुखा खा के जिसा भगवान ने दे रखा उसमें गुजारा सबर करना जानती, वो लुगाई कभी खोए नहीं कि थोड़ी ठिकाना बनी रहेगी। और यही जीवन का सार है। नंबर दो पर क्या कहता है, घरे मैं तू जासे आज प्याही, सुन से घरे मैं तू जासे आज प्याही, पण कह रही है बेबे सदा लक्ष्मी माई, पण कह रही है बेबे सदा लक्ष्मी माई, घनी मन चाही कर दे तबाही, कर जो समाई वा खुए ना लुगाई कदे। आजकल रिश्ते नाते बहुत जल्दी टूट जाते हैं, छह महीने भी ब्याह न को नहीं होते, कोर्ट में चक्कर काटने लग जाए लोग। कारण पता क्या है उसका? कारण है कि जगह बतला के देख लो, हम तो बहू ने तलाक देंगे की बात भाई, अगले अगले बतला के देख लो, छोरी गले बात करके देख लो, हाँ मैं तो तलाक लूंगी मैं को न सकती इसका। कारण क्या है मैं बताता हूँ, मेन पॉइंट क्या है। आजकल की छोरी जन सोचे ससुराल वाले मेरी मुट्ठी में हो जाए, ससुराल वाले जो सोचे कि बहू मारी कब मरनी चाहिए, जो करा हमने चावा नहीं होना चाहिए, ऐसा असंभव है। एक आता ताड़ी गुनबाज दिक्कत पड़ ससुराल वाले में भी, हर गड़बड़ जो आजकल की छोरी बैठी है उनमें भी, दोनों ने न्योना पड़ेगा। लड़की को तो ये सोचना पड़ेगा कि मेरे सासू ससुरे नहीं, मेरे माँ बाप है, यू ही मेरा घर है। और ससुराल वाले ने सोचना पड़ेगा या किसी और की बेटी नहीं हमारी, ये बेटी है या बहू नहीं, इस घर की इज्जत है या हमारी बेटी है। आड़ा फर्क आ रहा है लोगों का, अपनी बेटी ने तो बेटी सोचे हैं और दूसरे की बेटी ने लोग कहेंगे बहू है या तुम्हारी, ये तो बिरानी जाई है, गलत बात। और आड़े जो बहू बन के मारी बाण जाती है वह भी आड़े मार खावा, अपनी सासू ने सासू, ससुरे ने ससुरा, बाप ने बाप समझे हर माँ ने माँ, गलत बात। ऐसे तो बात बन ही नहीं सकती, सिस्टम बनाना पड़ेगा। गणित चतुराई ना तो बहू की चाल और ना ससुरा डालेगी, फिर ये न्यू खींच जाएगी दोनों आगे, फिर केस हो जाएगा, बिरान माटी गम के दाड़े। सारी रिश्ते नाते असनाई घने दिन चलती को नहीं। जो आदमी घनी चतुराई खेल रहे, घनी चतुराई ठीक नहीं है, सीधा सीधा अपना जीवन व्यतीत करो। अगर कोई गड़बड़ छोटी मोटी हो जाती, देखो मैं गजब की बात बताऊंगा अभी। मान लो रिश्ते नाते एक किताब है, समझो रिश्ते नाते एक किताब है, और जो छोटी मोटी गलतियां होती वो उसके पेज हैं, पन्ने हैं। मान लो कोई छोटी मोटी गलती होगी को पेज पाड़ कर बगा देना, किताब ने क्यों फेंको रे मूर्खो, किताब तो रखो। रिश्ता तो अपना है, कोई बात नहीं, छोटी मोटी चलती रहती है, सुधारने की कोशिश करो ना कि तोड़ो। नंबर तीन पर भाई अपनी बहन को समझाता कैसे, तू सास ननंद की गेल्या नर माई, राखिए तू सास ननंद की गेल्या नर माई, तो राणी जठाणी ते भी करिए ना लड़ाई, तो राणी जठाणी ते भी करिए ना लड़ाई, ज्यादा चत
सरी आला लिए भलाई कह काग सरी आला लिए भलाई तेरी खुशी में बहना मारे से सिलाई तेरी खुशी में